ए, पटरी पे क्यों आंक रहा था? इतने सारे सुलभ शौचालय बने ना मुंबई में, वहां पे क्यों नहीं गया? टॉयलेट के लिए इतना लाइन लगाना पड़ता है और ऊपर से टॉयलेट भी अच्छा नहीं होता, साफ नहीं रहता है और ऊपर से 2-5-6 रुपए लगता है हर दिन का। फैमिली में अगर 5-6 मेंबर है तो फिर क्या सब सबके पैसे देंगे क्या हम लोग? देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले टॉयलेट सुरक्षित करो। अरे भाई 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 भाई, तो उस आदमी की बात सुनकर हमें भी ये लगा कि मुंबई में टॉयलेट की समस्या है, तो इसलिए अगले 2-3 दिनों में हम मुंबई के कोने कोने में जाकर जो मुंबई के पब्लिक टॉयलेट्स हैं इन सब टॉयलेट्स के ऊपर हम रिसर्च करेंगे और उन टॉयलेट को हम रेटिंग देंगे। डॉक्टर सुसुंके और मैं TID की तरफ से अगले 2-3 दिनों में ये काम में बिजी रहेंगे। तो डॉक्टर सुसुंके, ये आपके हाथ में क्या है? ये TID की तरफ से हमने एक रेटिंग्स बनाई है, इसे हम कोपेबिलिटी रेटिंग्स कहते हैं। जी जी, इसमें अलग अलग फैक्टर्स है जैसे क्लीनलीनेस, कंफर्ट, ये पता करेंगे कि टॉयलेट्स में पानी की सुविधा रहती है या नहीं, भीड़ कितनी रहती है, ताकि लोगों को भी पता चले कि मुंबई में टॉयलेट्स की क्या स्थिति है। जी हाँ बिल्कुल। इस काम के लिए हम एक ऐप की भी मदद ले रहे हैं, उस ऐप का नाम है मुंबई टॉयलेट लोकेटर ऐप, जिससे हम जो कोई भी एरिया में हो वहाँ के हमें टॉयलेट्स कहाँ पे है वो पता चलते हैं। ये गूगल मैप्स की तरह ही है लेकिन टॉयलेट्स के साथ, जोमेटो की तरह। जोमेटो में कैसे खाना पता चल जाए, होटल्स कहाँ पे वो पता चलते हैं, इसमें टॉयलेट्स पता चलते हैं, इसमें टॉयलेट्स पता चलते हैं। तो फिलहाल हम कांदिवली में हैं और कांदिवली का ये एक प्रसिद्ध टॉयलेट है, इसे हम रेटिंग देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टॉयलेट कैसा है, चलिए। लेडीज़ लोग को बहुत तकलीफ है उधर में और जेंट्स को भी तकलीफ बहुत है, क्योंकि हफ्ता में एक बार आके साफ करने लाता नहीं कोई। तो अपन लोग यही चाहते हैं
कि घरों में अगर बनाने का हमको मिल जावे तो अच्छी बात है। मैं ACP साइमन और ये है डॉक्टर सुसुंगे, हम टॉयलेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। हम प्रॉमिस नहीं कर सकते इससे कुछ होगा, लेकिन हमारा सिर्फ यही काम है कि लोगों तक ये बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दो शब्द हमसे शेयर किए। टॉयलेट बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कचरा इधर फेंकते मार्केट वाले, वो जल्दी साफ़ नहीं होता है। और ये प्लॉट के जितने भी बच्चे हैं वो साफ़ करते हैं। तो हम इस शिवाजी नगर के शौचालय को हमने चेक किया और इसको हम देते हैं 14 out of 20। काफ़ी अच्छा टॉयलेट है यहाँ का, लेकिन यहाँ के जो लोग रहते हैं इनके मुताबिक यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है। ये जो आप देख सकते हैं टॉयलेट के सराउंडिंग, यहाँ पे बहुत सारा कचरा है। और ये गटर आप देख सकते हैं, गटर खुला है, ये गटर कहीं और जाके भी खुलता है। तो आइए देखते हैं वो गटर कहाँ खुलता है। वहाँ पीछे से जाना है ना, दीवार के अंदर। तो ये यहाँ पे गटर खुलता है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतने सारे गटर खुले हुए गटर है, और यहाँ पे मेरे ठीक बाजू में एक गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे रोज़ बच्चे पढ़ने आते हैं। खैर आज संडे इसलिए स्कूल खाली है। 5 मिनट में खड़े नहीं हो पा रहे बच्चे यहाँ पर, कैसे पढ़ते होंगे। इसके लिए मार्क्स काटने पड़ेंगे। गोंडी शाही नगर प्लॉट नंबर 45 में रहता हूँ। यह आप देख लीजिए सर, यहाँ पे ये पूरा गटर यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, और ये यहाँ पे बाथरूम बन रही नहीं है। बहुत टाइम से यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं। बहुत सी पब्लिक है जो यहाँ पे इग्नोर कर देती है बात को, ये सब बात को इग्नोर कर देती है यहाँ पे बहुत सी पब्लिक है। गवर्नमेंट तो कुछ काम करती नहीं, यहाँ के नगर सेवक लोग को जीता कि हम लोग यहाँ की पब्लिक जिताती है, नगर सेवक लोग को आके वादा करते हैं बहुत से कि हम लोग आएंगे यहाँ पे गटर साफ़ करेंगे, सब कुछ करेंगे। कोई आता नहीं जीतने के बाद सब अपना अपना घर पकड़ लेते, और यहाँ पे हम लोग मरते, हम लोग गंदगी में जीते। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे कि अपने सिर्फ अपना घर देखते और कुछ नहीं देखते। टॉयलेट बाथरूम नहीं, नहीं तो वो 6 महीने साल भर हो रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं बना रहे। इतना मोटा मोटा बच्चा है, बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं, वो सिर्फ झूठे झूठे वादे करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हमारे इधर आके। हमारी बात झूठी लग रही, देखो साल भर से टॉयलेट टूट के पड़ा, और आप हमारे यकीन मानो 17 नवंबर 18 नवंबर में जाओ, 2 महीना हो गया टूट के पूरा टॉयलेट तैयार बनाने टॉयलेट यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या नाम है। 40 साल पुरानी टॉयलेट क्यों तोड़ा आप लोग ने, नहीं बनाने की ताकत थी तो नहीं तोड़ने का था ना आप लोग ने। और वो पैसे वाले में जाना, कोई गरीब इंसान है, पैसा हाथ में है नहीं, वो 2 रुपए पकड़ अंदर 3 रुपए पकड़ अंदर जा नहीं सकते। प्राइवेट नहीं बना
सरकार की चाहिए, हमारे को जो सरकार है सरकार की वैसी चाहिए हमको टॉयलेट। गरीब आदमी लोग पैसा देके नहीं करेंगे, हक के चले जी बाबा बोल रहे शौचालय बनाओ, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ ये स्वच्छ भारत अभियान नहीं हो रहा है, संडास नहीं है बेटा का करी। ये गली का बोलो इनमें देखो संडास हमके लोग के चाहेगा जरूर, बच्चे बीमार देखो ये कितने सही पे ये बेचारे टॉयलेट जाने देते। अरे दिन में तो चलो 10 बजे टॉयलेट बंद होता था पैसे वाला, रात में कब आ गएंगे खाना, रात का मेन औरत का ज्यादा मतलब रात में इधर भागी जा रही है। गुजारिश करो यहां पे वो गुजारिश में रिक्वेस्ट कर रहा, अगर नहीं सुनेंगे ना ऊपर तक हम लोग बात जाएंगे, मोदी तक बात जाएंगे, मोदी सरकार तक। वो तो बोल रहे स्वच्छ भारत है, हर जगह सफाई रखो, हमारे इधर है ही नहीं तो कहीं की सफाई होगी। सही बात है, हर बच्चे जाके गार्डन इतना साफ कर रहे हैं, गार्डन पहले बनाना जरूरी है कि ये जरूरी है, ये जरूरी है, टॉयलेट सबसे सबसे जरूरी बात टॉयलेट ही है, वो रात में करेगी, वो रोज का काम है और हमें कर कोई चॉइस नहीं है, हमें करना पड़ता ही है टॉयलेट, ऐसा चॉइस नहीं है, ऐसा होगा। और अगर टॉयलेट नहीं बनेगी तो सीधा सब औरतें वहीं गार्डन में हगेगी, अगर वो भी नहीं होगा ना, अगर ऐसा भी रंगा ना जो जगह छोड़े ना उधर साड़िया बन के उधर हगने बैठ जाएंगे सब औरतों का, हम बोलेंगे वहाँ जाके करो जो कोई भी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के लोग बहुत गुस्से में है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जैसे कि इनके नगर सेवक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे एक टॉयलेट बांधिए। यहाँ पे पहले एक टॉयलेट हुआ करता था, एक साल पहले, छह महीने पहले यहाँ पे एक टॉयलेट हुआ करता था, अभी वो टॉयलेट गायब है, उसे तोड़ दिया गया है। संडास भाई जरूरी है, संडास के लिए हम लोग जगह गरीब के पैसा ना रही, गरीब किधर जाए। एक दिन एक लेडीज को भाई बात अपना रात में 12 बजे आया, 12 बजे गई शौचालय बंद, उधर वो भी शौचालय बंद सिग्नल पे, कभी इधर 44 में उधर दरवाजा बंद करके रखते, ताला मार कर रखते, बाद में वापस इधर शौचालय के पीछे आके बैठ के रात में कचर कुंडी के बाजू में बैठ के गई। हाय, मेरा नाम साइमन दार है, मैं इस वीडियो में एसीपी साइमन का किरदार निभा रहा था। वीडियो के शूट करने के पहले आइडिया बस इतना था कि मैं एक ऑफिसर बनूंगा और मेरा दोस्त आदित्य एक डॉक्टर बनेगा और हम मुंबई के अलग अलग पब्लिक टॉयलेट्स में जाके उनका रिव्यू करेंगे। जो मेरा चैनल पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है कि मैं टॉयलेट्स का बहुत शौकीन हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस जगह का टॉयलेट अच्छा है वो जगह अच्छी है, मैं एक टॉयलेट एंथुजियास्ट हूँ। तो उसी से इस वीडियो का आइडिया आया। मुंबई में लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि जो सुलभ शौचालय है, पब्लिक टॉयलेट्स है, ये बहुत गंदे हैं, हमें वहाँ पे नहीं जाना, इसलिए हमने अलग अलग पब्लिक टॉयलेट्स में जाके उनका रिव्यू किया। और शूट करते करते हमें आइडिया नहीं था कि मामला उतना गंभीर हो जाएगा। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको टॉयलेट ढूंढना एक रोज का मिशन है, एक रोज का स्ट्रगल है। हम टॉयलेट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसलिए उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, नीचे कमेंट छोड़ देना आपको कैसे लगा ये वीडियो, और सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियोज में डालते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय, शब खैर, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, बाय।